तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो यार आ चुके एक और वीडियो के साथ वापस। और यार आज की वीडियो में हम PUBG टेस्ट करने वाले हैं Realme के 8i का, Realme के 6i से लेके भाई सारे ही फोन हम अभी तक टेस्ट करते हैं। 6i भी मैंने टेस्ट करा है, 7i भी मैंने टेस्ट करा है, और भाई अब की बार हम 8i को भी चेक करने वाले हैं आज की वीडियो में। और भाई जो सबसे पहले फोन की जो लुकिंग आती है ना देखने में, वो काफी ज्यादा मेरे को सही लगी है। काफी सारे लोग सोच रहे होंगे चार कैमरा का सेटअप है, पर भाई चार कैमरा नहीं है, यहाँ पे चौथे में घपला कर रखा है, चौथे में फ्लैश दे रखी है अंदर ही, तो भाई ऐसा दिखाने के लिए कि चार कैमरा वाला सेटअप है, बाकी इसको हम एक ही कैमरा कहने वाले हैं। सबसे पहले फोन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसा फोन है, कैसी स्पेक्स के साथ आता है और क्या प्राइस वगैरह है, तो सारा कुछ आपको बता दूंगा। तो भाई सबसे पहले बात करें अगर इसके प्रोसेसर की, तो इसके अंदर MediaTek का Helio G6 प्रोसेसर आपको देखने मिलता है। थोड़ा सा नया प्रोसेसर है गेमिंग के लिए, भाई हो सकता है कि थोड़ा कम ऑप्टिमाइज हो, बाकी मैं इसको पूरा अच्छे से टेस्ट कर चुका, आपको सभी बता दूंगा डीप में कि कैसी परफॉर्मेंस की रहने वाली है। बाकी डिस्प्ले की अगर इसकी बात करें तो IPS LCD डिस्प्ले इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, लेकिन 120 हर्ट्ज की है, तो ये काफी ज्यादा सही बात है। बात करें बैटरी कैपेसिटी की, तो 5000 mAh की बैटरी है और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। फास्ट चार्जिंग कहना उसको एकदम बेकार ही होगा, क्योंकि 18 वॉट की चार्जिंग है, तो भाई काफी ज्यादा टाइम ले लेता है ये चार्ज होने में फोन। और बात करें वेरिएंट की, तो मेरे पास 464G वाला वेरिएंट है, और भाई जो उसका प्राइस है ना 14,000 से 16,000 भाई ऊपर नीचे हो जा रहा है, पता नहीं क्या सीन है। 14 का वैसे मैंने इसको लिया था, बाकी अभी 16 हो गया है फ्लिपकार्ट वगैरह पे, तो अप डाउन हो रहा है, तो 14 से 16 के बीच में इसका प्राइस आपको देखने को मिलने वाला है, तो इस हिसाब से हम फोन को जज करेंगे। तो ये हो गई सारी स्पेसिफिकेशंस की बात, अभी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि जो फोन है भाई उसको मैंने यहाँ पे मैक्स चार्ज करा हुआ है अभी, एंड में हम देखेंगे कि कितनी परसेंट बैटरी ड्रॉप ये करने वाला है अपने टेस्ट के अंदर। और वाईफाई नेटवर्क से मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, ब्राइटनेस परसेंट मैंने मैक्स कर ही लिया है, और अब हम सीधा गेम को चालू करेंगे अपना BGMI को। भाई वहीं से खुल गई गेम, मैंने अभी इसमें टेस्ट कर ही रहा था, मैं अभी भी जस्ट खेल ही रहा था, तो देखो वहीं से खुल गई। तो रैम एंड राइज भी फोन सही है भाई, तो ग्राफिक सेटिंग इसके अंदर जैसा कि आपको देखने को मिल ही जाता है स्मूथ प्लस अल्ट्रा की है। अब भाई ऐसा मैं सोचना कि एक्सट्रीम का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए था, भाई पोको X3 प्रो वालों सुधर जाओ, पोको ने भाई हमारी आदत खराब कर दी है इस प्राइस में। अब हमें स्मूथ अल्ट्रा हजाम ही नहीं होता भाई, स्मूथ एक्सट्रीम ही चाहिए होता है सबको। तो प्रोसेसर के हिसाब से स्मूथ प्लस अल्ट्रा काफी ज्यादा सही है, बैलेंस पे भी अल्ट्रा है और HD पे भी हाई है। अब भाई स्मूथ प्लस अल्ट्रा है तो देखना पड़ेगा वो तो कि स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है, खाली देखने को हो तो कोई भाई बेकार चीज हो जाएगी, पर अगर स्मूथ प्लस अल्ट्रा में बड़ी गेम चला देते ना तो भाई सही रहने वाला है। और इस वाली वीडियो के अंदर हमारे पास FPS मीटर भी है, तो यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे FPS भी शो होते रहेंगे, जैसे कि देख सकते हो अभी 40 FPS दे रहा है, GPU की परफॉर्मेंस और CPU की परफॉर्मेंस भी दिखती रहेगी साइड बाय साइड। तो भाई विद FPS मीटर है, देख लो FPS मीटर पे भी ध्यान दे रहे हैं अब। तो भाई एक एक करके करने वाले हैं मैच को ट्राई, और ये गेम वेम में भी अपडेट आ गया, तो पता नहीं क्या यार भसड़ सी मचा दी है, गेम में भी सब बदल गया भाई। तो अभी सबसे पहले मैच करेंगे हम TDM का स्टार्ट, स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग हमने रखी हुई है, FPS ऊपर आपको शो होते रहेंगे, वॉल्यूम को भी हम टेस्ट के अंदर मैक्स रखने वाले हैं। और एक चीज़ और, इसके अंदर डुअल स्पीकर आपको देखने को मिलते नहीं है, तो सिंगल स्पीकर है, बस नीचे ही वाला वर्क करता है तो ऊपर वाला वर्क नहीं करता है। और एक चीज़ और है भाई, जायरोस्कोप सेंसर है अवेलेबल आपको देखने को मिलता है, और जो सेंसिटिविटी मैंने रख रखी है ना वो मैक्स रखता हूँ मैं बिल्कुल एकदम जायरोस्कोप की 400-400, तो देख सकते हो भाई क्या ज़्यादा एक्टिव है, तगड़ा है भाई जायरोस्कोप सेंसर, मस्त। आप इसके थ्रू भाई अपना रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो ऐसे ऐसे मूव करके, तो जायरोस्कोप तगड़ा है। गेम में भाई काफ़ी सारी चीज़ें नहीं कर दी हैं, जैसे अब हम हेड वगैरह मारते हैं ना तो टकले पे सवा जाती है टन टन करके ऐसे, तो पता चलता है बंदे को हेड लगा है, टन टन आवाज आती है हेडशॉट मारने पे। मच्छरबाजी, फिर हार गए भाई, फिर हार गए, एंड में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था पर वो मैच खत्म होते में होता ही है भाई थोड़ा बहुत। बाकी हमने अभी मैच खेल लिया है इसके अंदर, और फ्रेम ड्रॉप्स उतने मेरे को नहीं लगे इसको, कांस्टेंट 40 FPS भाई काफ़ी ज़्यादा सही चला रहा था ये, और पहले मैच के हिसाब से तो भाई ओवरऑल मेरे को बढ़िया ही लगा है। अभी क्लासिक के मैच हम ट्राई करने वाले हैं आगे के, मैं बनाते बनाते खेल रहा। तो भाई अगला मैच अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इरेंगल का Realme 8i के अंदर, स्मूथ प्लस अल्ट्रा सेटिंग हमने अभी रखी हुई है। क्या है ये, खुदा दे। तो अभी भाई 36 ही गया, ज़्यादा ड्रॉप भी नहीं हुए फ्रेम्स, तो जंप वंप में करते में भी सही चल रहा है फोन हमारा, ऐसी तैसी कर देते गेम की। 32 फ्रेम्स तक आ गया अभी ड्रॉप हो गए, वो थोड़ा सा अटका था अभी, फिर से फ्रेम ड्रॉप हो रहे हैं, 29 पे आ गया, कहाँ ले जा रहे,
अबे यार क्या है, क्या बसूड़ी है। क्या है भाई, क्या है ये सीन, क्या चल रहे हैं। जो भी है पर फोन फ्रेम ड्रॉप तो कर नहीं रहा। क्या भांग बसूड़ी है। बाइक मैं चला रहा हूँ या मेरे को बाइक। कुत्ते कट गए, इससे बड़े तो सादा खेलना चाहिए था। पर्दे लटक रहे कुछ, बट ओवरऑल जो मैच था वो ठीक ठाक चला दिया इसने। बीच में फ्रेम ड्रॉप्स गए थे 29-29 तक, और 25-24 ऐसे फ्रेम चले गए थे। तो हाँ थोड़ा बहुत ड्रॉप है बाकी, अभी ये वाला मोड हटाएंगे, घटिया मोड है एकदम, सादा गेम प्ले। तो भाई इस बार भी हम यहाँ पे जंप करते में देखते हैं कि फोन हमारा फ्रेम ड्रॉप्स करता है फिर नहीं। तो यहाँ पे 40 FPS अभी कॉन्स्टेंट है, नहीं करे 39 पे ही रहा भाई, काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है फोन तो। सारी आवाज़ यहीं पर हो गई। हलवा बट रहा है यहाँ, वाह ये बंदा था ऊपर जो आरपी पे ना मरता है। ऐसे खेलते हैं आरपी वाले बंदे, देख लो। अरे भाई दिख रहा नहीं यार, नाम डाउनलोड नहीं है वही लैपटॉप। भाई भरत भाई, हेलो भाई। हेलो भाई, हाँ भाई, थैंक यू भाई। तो भाई अभी हमारा मैच जो कंप्लीट हुआ उसके अंदर भी इतने ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिले, बस मैक टू मैक 30 ड्रॉप हुआ था, मतलब कि 10 FPS। बाकी फ़ोन के टेम्परेचर की बात करी जाए तो फ़ोन का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री टच हो चुका है भाई। 30 पे हमने इसको स्टार्ट करा था तो ठीक है, फ़ोन सही चल रहा है उस हिसाब से, अभी हीट हो गया है काफ़ी ज़्यादा। बाकी हम अगला मैच जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं फ़ोन की मैक सेटिंग के ऊपर। सब्सक्राइबर भाई को हमने बुला लिया अपने, तो HD हाई की सेटिंग है ये। ग्राफिक सेटिंग देखो भाई, जो सिर्फ HD प्लस हाई की हुई है और उस हिसाब से भाई काफ़ी ज़्यादा सही अप कर लिया इसने। बाकी नीचे परछाई वगैरह अच्छे से हमको दिख रही है, और नीचे जमीन वमीन का जो टेक्सचर वैक्चर है वो भी सही दिख रहा है। फ्रेम्स हमारे 30 हो गए हैं, तो 30 पे देखते 30 कॉन्स्टेंट चला पाता है, फिर 30 पे फ्रेम ड्रॉप्स हमको देखने को मिलते हैं फिर नहीं। टर्न करके जो आवाज़ आती हेड मारने पे 30 FPS भी भाई सही चला रहा है वैसे। अरे M24 सुतरी का, मतलब 29 फ्रेम्स भाई चुपक के दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ, मैच खत्म होने पे होता ही है सर, 13 FPS पे आ गया था। बाकी ओवरऑल मैक्स सेटिंग के ऊपर भाई काफ़ी ज़्यादा सही परफॉर्मेंस ये दे रहा है हमको। और ऐसे नहीं कि भाई मैंने एक ही मैच टेस्ट कराया, इससे पहले मैं भाई पूरा फ़ोन को अच्छे से टेस्ट कर चुका हूँ। 2 दिन मेरे पास फ़ोन था भाई अच्छे से टेस्टिंग के बाद, ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैक्स सेटिंग के ऊपर भी आपको गेम काफ़ी ज़्यादा सही चला देगा, खेलने लायक आपको गेम चला देगा। ऐसा आपको नहीं लगा कि फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिल रहे थे या फिर ऐसा कुछ। और मेरे को ओवरऑल गेमिंग, हाँ भाई, अरे भाई फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड रिक्वेस्ट करके बोलूं भाई, फ्रेंड की जगह नहीं है। तो भाई मैक्स 39.739
क्या हो गया, सिर्फ उतना ही चल रहा है, 38.9 डिग्री आप बड़े आराम से मान सकते हो, 39.1 कैमरे के पास से थोड़ा सा ज्यादा हीट हो रहा है इधर की तरफ से थोड़ा। तो ये भी क्या करते हैं, सबसे पहले तो करते हैं स्टॉपवॉच को हम स्टॉप फेंक देते हैं कोने में, एकदम कोने में फेंकी। और बात करें अगर फोन की बैटरी की, तो 85% बैटरी इसके अंदर यहाँ पे अभी भी अवेलेबल है, तो ऑलमोस्ट 15% बैटरी इसने ड्रॉप करी है, तो 15% बैटरी ड्रॉप काफी ज्यादा सही होता है भाई। ऑलमोस्ट 45 मिनट हमको हो गया गेम खेलते हुए, एक घंटे की गेमिंग करते हैं तो भाई 20% बैटरी ड्रॉप हो जाती है, तो 20% के करीब करीब ही सारी फोन बैटरी ड्रॉप करते हैं। 5000 mAh की बैटरी है, सही चलेगी भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बैटरी से रिलेटेड फोन के अंदर। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हो, स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे भाई काफी अच्छी गेमिंग ये मेरे को करके दे देता है, और ओवरऑल मेरे को उतना कुछ ज्यादा बेकार नहीं लगा। बस भाई मेरे को थोड़ा ये रहता है कि जो रियलमी है ना, उसके जो फ्रेम है ना, सारे फोन में भाई 6i में 7i में 8i में सब में सेम दे देते हैं एक जैसा ही, बाकी फिंगरप्रिंट्स वगैरह के निशान थोड़े बहुत आ ही जाते हैं, तो फोन थोड़ा सा गंदा अंदर लगता है देखने में, पर कोई दिक्कत नहीं, साफ हो जाएगा, ग्लॉसी है थोड़ा। एक बार फ्रेम ड्रॉप्स हुए थे जब हमने बीच फाइट ली थी, जंप वगैरह करते में देखने को नहीं मिले। और अगर आप चाहते हो कि मैक्स सेटिंग पे भी आप गेम खेल पाओ, तो भाई मैक्स सेटिंग पे भी 30 FPS पे खेल पाओगे, पर भाई खेल जरूर से पाओगे, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गेम फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल भाई मैक्स सेटिंग के हिसाब से भी सही है फोन, और स्मूथ सेटिंग के हिसाब से भी सही है। मैं रेकमेंड भी कर रहा हूं भाई आपको ये वाला फोन, आप चाहो तो इसको ले सकते हो, और अगर हाँ भाई आपको ये वाला फोन परचेस करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा इस वाले फोन का, तो वहां से आप जरूर से परचेस कर लेना, उससे क्या होगा फोन आपको उतने ही प्राइस में मिल जाएगा, चैनल की थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, तो वहां से जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना भाई 200 सब्सक्राइब, और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट मैं चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ, और भाई अभी बहुत ज़्यादा कमाल की वीडियोस भी आपको चैनल के ऊपर देखने को मिलने वाली हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, 200K सब्सक्राइबर भी भाई फटाफट से करवा दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और कमाल की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।